तो ये है संकेंद्री वलन सिद्धांत, कॉन्सेंट्रिक जोन थ्योरी, ठीक ना। तो इसको समझने से पहले सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बस्ती भूगोल की चर्चा करेंगे या अधिवास भूगोल की चर्चा करेंगे, ठीक है। अब अधिवास भूगोल होता क्या है, अधिवास भूगोल में मानव का रहन सहन, ठीक ना, व्यापार कार्य जहाँ मानव करता है, जहाँ रहता है, प्राकृतिक और सांस्कृतिक क्षेत्र वहाँ क्या हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं। तो उन्हीं क्षेत्रों को समझाने के लिए, ठीक है, और मुख्य रूप से नगरों में जो व्यापार हो रहा है, जो उद्योग लगे हुए हैं, उन उद्योगों को समझाने के लिए, ठीक, एक अमेरिका के समाजशास्त्री थे बर्गीस, ठीक है। बर्गीस ने क्या किया, 1927 में किसने, बर्गीस ने, ठीक ना, 1927 में क्या किया, इन्होंने अमेरिका में शिकागो एक शहर है, शिकागो का अध्ययन किया, ठीक ना, किसका अध्ययन किया किया था, शिकागो शहर का अध्ययन किया। और शिकागो शहर के अध्ययन के फल स्वरूप अपने जो है कि संकेंद्री वलन सिद्धांत को बर्गीस ने प्रस्तुत किया, ठीक, कॉन्सेंट्रिक जोन थ्योरी दी थी किसने, बर्गीस ने 1927 में। इसमें बर्गीस ने शिकागो शहर के अध्ययन करके उसके जो विश्लेषण उसका निकाला, तो उसके आधार पे क्या किया, पांच भागों में पांच पेटियों को बांटा, ठीक ना। तो इन्होंने कहा कि देखिए, जो पहली पेटी होगी वह आंतरिक केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र की होगी, मतलब जो शहर के बिल्कुल सेंटर में होगा, ठीक, ये सिटी है, ये पूरी क्या है, सिटी है, और सिटी के बिल्कुल केंद्र में, ठीक ना, सिटी के बिल्कुल किसमें, केंद्र में क्या होगा कि आंतरिक केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र होगा, बिजनेस डिस्ट्रिक्ट होगा, जितने भी व्यापार होंगे, जितने भी कल कारखाने होंगे, फैक्ट्रियां होंगी, ठीक है, गहन व्यापार का क्षेत्र कौन होगा, पहली पेटी होगी, ठीक। जो दूसरी पेटी होगी, उन्होंने दूसरी पेटी को क्या बोला, संक्रमण पेटी, जोन ऑफ ट्रांजिशन, ठीक, ये दूसरी जो पेटी होगी, ये वाली जो पेटी होगी, यहाँ क्या होगी, संक्रमण पेटी होगी। अब संक्रमण पेटी का मतलब क्या है कि यह तीसरी पेटी को क्या करेगी, पहली पेटी से अलग करेगी, ठीक ना। अब तीसरी पेटी में श्रमिक लोगों के मकानों का क्या होगा, क्षेत्र होगा, ठीक ना, जोन ऑफ वर्किंग मींस हाउसेस। इस नगर में पहली पेटी में घने फैक्ट्रियों में जहाँ पर व्यापार हो रहा था, जहाँ पर कल कारखाने हैं, फैक्ट्रियाँ हैं, ठीक है, घना औद्योगिक केंद्र है, यहाँ पर जो काम करने वाले लोग हैं वो रहेंगे इसमें तीसरी पेटी में, ठीक है। और जब तीसरी पेटी में जो श्रमिक होंगे, श्रमिक लोगों का मकान कहाँ होगा, तीसरी पेटी में होगा, ठीक। तो इस तीसरी पेटी और पहली पेटी के बीच में एक होता है संक्रमण पेटी। अब यह संक्रमण पेटी क्या होगी, अब जैसे मान लीजिए कि गांव शुरू होता है, एक शहर है और एक गांव है, ठीक ना, एक शहर है और एक गांव है, मान लीजिए कि यहाँ पे शहर है और यहाँ पे क्या है, गांव है, तो बीच का जो इलाका होता है, मान लीजिए कि ये वाला इलाका, तो जो ये इलाका होता है ये अचानक शहर से अलग तो हो नहीं जाता, या ये इलाका जब हम गांव से शहर की तरफ चलते हैं तो शहर अचानक गांव से तो अलग हो नहीं जाता। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे संकेत होते हैं जिससे हमें दिखने लगता है कि हम शहर में पहुंचने वाले हैं, होता है ना ऐसा, हमें क्या होगा, कॉलोनियाँ दिखने लगेंगी धीरे धीरे, मकान क्या होंगे, सघन दिखने लगेंगे, कुछ कल कारखाने फैक्ट्रियाँ हमें क्या करेंगी, दिखने लगेंगी, तो हम समझ जाएंगे कि अब हम शहर की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन जब पूरी तरीके से शहर में पहुंच जाएंगे तो वही कॉलोनियाँ घनी हो जाएंगी, फैक्ट्रियाँ क्या हो जाएंगी, घनी हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलेंगी। तो बीच की पेटी क्या हुई, संक्रमण पेटी हुई, ठीक ना। जैसे देखिए अभी क्या हो रहा है कि इस इलाके में इधर, ठीक ना, इस इलाके में क्या हो रहा है कि नगर पालिका में आ गया है, सुविधाएं हैं, लेकिन है तो गांव, सुविधा मिल रही है शहर की, लाइट बिजली पानी वगैरह सुविधा मिल रही है शहर का, है तो गांव, तो ये क्या हुआ, एक ट्रांजिशन जोन हो गया, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि अभी हम लोग जहाँ पे हैं वर्तमान में, ठीक है, तो हम लोग के इधर क्या है, शहर है, और इधर क्या है, गांव है, तो हम लोग किसमें हैं, अभी ट्रांजिशन जोन में, संक्रमण पेटी में है। यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो शहर आ जाएगा, और यहाँ से इधर जाएंगे तो पूरा खाटी, मतलब पूरा देहात आ जाएगा, गांव आ जाएगा, क्लियर है। तो यही जो दूसरी पेटी होती है वो क्या होती है, संक्रमण पेटी होती है। तीसरी पेटी में पहली पेटी में कार्य काम करने वाले लोगों का घर होता है। अब जैसे मान लीजिए कि जो लेबर होते हैं वो
अब अच्छा एक बात और आपसे पूछेगा क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट पूछ सकता है भाई कि बताइए पहली पेटी में ही क्यों नहीं रहते, यहां पे रहेंगे, यहां से संक्रमण पेटी से जा करके शहर में काम करेंगे, काम करके वापस यहां आ जाएंगे, क्योंकि वहां रहने का खर्चा बहुत बढ़ जाएगा जो कि एक साधारण श्रमिक अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है। इसलिए क्या करता है वो उसको छोड़ करके थोड़ी सी संक्रमण पेटी के बाहर आ जाता है। क्या संक्रमण पेटी में लोग नहीं रहते हैं? रहते हैं, लेकिन उनसे अच्छी कमाई करने वाले, क्लियर, ठीक ना। उसके बाद फिर क्या होगा, चौथी पेटी में श्रेष्ठतर मकानों का क्षेत्र, ठीक है। अब देखिए चौथी पेटी में क्या होगा, जो अधिकारी होंगे, ठीक ना, जो मैनेजर होंगे, जो क्लर्क होंगे, जिनकी इनकम क्या होगी, अच्छी होगी, ठीक ना। ये शहर के भीड़ भाड़ से दूर इलाके में थोड़ी सी दूरी पे अपना मकान बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और ये लोग ऐसी जगहों पर क्या करेंगे, रहेंगे। मतलब इन लोग, ये लोग काम कहाँ करते हैं, ये लोग काम करेंगे पहली पेटी में ही, ठीक ना, मैनेजर क्लर्क ये सारे लोग अधिकारी, ठीक है, काम कहाँ करेंगे, पहली पेटी में ही इनका वर्किंग काम है। लेकिन ये श्रमिक तो है नहीं भाई, पैसे वाले लोग हैं, तो क्या करेंगे, शहर के भीड़ भाड़ से थोड़ी दूरी पे क्या करेंगे, आकर के अपना बढ़िया मकान किसी कॉलोनी में लेकर के बनवाएंगे। क्लियर हुआ इतना, ठीक। उसके बाद ये हो गई आपकी चौथी पेटी। उसके बाद जो पांचवी पेटी होगी, ये उच्च श्रेणी रिहायशी, द कम्यूटर्स जोन इसको बोला जाता है। इसको ये भी बोला जाता है क्या, कि नगर को अभिगमन, नगर को अभिगमन करने वाले लोगों का क्षेत्र। अब आपके गांव से लोग जाते हैं शहर में काम करने और काम करके वापस चले आते हैं अपने घर को। श्रमिक तो किसी एक मकान ले लेता है, उसमें रहता है, लेकिन आप देखते हैं ना कि गांवों से लोग क्या करते हैं, सुबह सुबह टिफिन वगैरह घर से बनवा लेंगे और लेकर के काम करने कहाँ चले जाएंगे, नगर में काम करने चले जाएंगे, ठीक ना, और वहाँ काम करके फिर शाम को वापस आ जाएंगे। तो जो पांचवा क्षेत्र होगा, ठीक है, सबसे जो बाहरी वाला क्षेत्र होगा, ये क्या होगा, ये जो बाहरी वाला क्षेत्र है, ठीक है, ये जो है उच्च श्रेणी रिहायशी होता है, ये एकदम रिहायशी होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि गांव टाइप का, देहात टाइप का होगा, ठीक ना। यहाँ पे काम करने वाले लोग क्या करेंगे, जा करके काम करके फिर ये वापस चले आएंगे, ठीक, क्लियर हुआ। तो इसी के साथ एक और कॉन्सेप्ट आप समझिए कि कोई क्षेत्र चाहे छोटा हो और चाहे बड़ा हो, वर्गीज का कहना था कि वह इस चीज को फॉलो करता है। एक छोटा शहर भी इसको फॉलो करेगा और एक बड़ा शहर भी क्या करेगा, इसको फॉलो करेगा, ठीक ना। जैसे बिहार से मुंबई जाने वाले लोग, महाराष्ट्र जाने वाले लोग, तो क्या बिहार से सब लोग महाराष्ट्र चले जाते हैं? नहीं, मुंबई सब लोग नहीं जाते। मुंबई के पहले ही कुछ फैक्ट्रियां होंगी, कंपनियां होंगी, जहां कुछ लोग कार्य करेंगे, कुछ लोग उससे आगे बढ़ेंगे, कुछ लोग मेन सेंटर में जाएंगे, और सेंटर में अगर वो चला भी गया बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, वहां वो रहेगा नहीं। अगर श्रमिक के रूप में गया है तो उससे क्या करे, बाहर रहेगा, संक्रमण पेटी में रहेगा, या उसके भी बाहर रहेगा अगर उसकी उतनी अच्छी इनकम नहीं है तो, ठीक है। तो ये एक प्रैक्टिकल किया था बर्गेज ने, शिकागो का अध्ययन किया और उसके अध्ययन के आधार पर अपनी थियोरी दी, ठीक है। कौन सी थियोरी? संकेंद्री वलय सिद्धांत, कंसेंट्रिक जोन थियोरी। तो क्वेश्चन आपसे इस तरीके से क्या करेगा, पूछेगा, ठीक ना, कि संकेंद्री वलय सिद्धांत किसका है, तो बर्गेज का है, ठीक। या और क्या पूछ सकता है कि बताइए जो कंसेंट्रिक जोन थियोरी है, ठीक है, उसमें संक्रमण पेटी कौन से जोन में आएगी? तो होगा जोन टू, ठीक। श्रमिक लोग किस में रहेंगे? जोन थ्री में रहेंगे। मैनेजर क्लर्क बड़े पैसे वाले लोग किस में रहेंगे? वो जोन फोर में रहेंगे। व्यापार कहाँ होगा, उद्योग कहाँ लगे होंगे? जोन एक में लगे होंगे, केंद्र में बिल्कुल, ठीक। और ऐसे लोग कहाँ रहेंगे जो घर से जाते हैं काम करने के लिए, काम करके फिर वापस आते हैं, तो वो जोन फाइव में रहेंगे, मतलब उसके बाहर कहीं पर भी रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है,
ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस आपसे क्या किए जाएंगे, पूछे जाएंगे।